आजादी का अमृत महोत्सव आज नगर निगम में यहाँ पर मनाया जा रहा है और मेरे साथ कल्पना सैनी जी मौजूद हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी हुए या हमारे आर्मी के जवान हुए, वो लोग तो हमेशा से ही देश में सर्वोच्च स्थान जिसे प्राप्त होता है हमेशा इसे सम्मानित रहते हैं, लेकिन आज फिर भी इस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया है, उन्हें काफ़ी सम्मान दिया गया है, बहुत सारे यहाँ पर भाषण भी दिए लोगों ने। तो कल्पना सैनी जी से मैं जानना चाहूँगी कि क्या इतना बहुत बड़ा दिन आज हमारे लिए आज़ादी का, आज अमृत महोत्सव मनाया गया है, क्या कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए? मैं तो सदा ही श्रद्धा से नमन करती हूँ अपने स्वतंत्रता सेनानियों को। आज हम जो खुली आज़ादी में सांस ले रहे हैं वो मात्र उन्हीं के वजह से है। उन्होंने जो अपने प्राण दिए, उन्होंने जो कष्ट झेले, उनके परिवारों ने जो कष्ट झेले, वही सब है कि आज हम अपने देश के विकास की बात करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को जीते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। इसका पूरा श्रेय उन्हें जाने के साथ साथ मेरे उन आज भी शहीद होने वाले सीमाओं के प्रहरियों को, सेना के जवानों को भी जाता है जो आज इस देश की स्वतंत्रता को कायम रखे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आज स्वतंत्रता सेनानियों के लिए? देखिए, मैं अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स का भांजा हूँ जो सन 42 में शहीद हुए थे और इसी कुल आयुर्वेदिक कॉलेज में वो 17 वर्ष की आयु में पढ़ रहे थे। तब उन्होंने 1942 में 3 गोलियाँ खाई थी आज़ादी के लिए और सहारनपुर हरिद्वार जनपद के एकमात्र शहीद हैं और उसी सिलसिले में मुझे इन्होंने आज बुलाया था, सम्मानित किया है, मैं इन सब के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है, जिला महामंत्री आदेश सैनी जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सम्मानित हमारे आर्मी के लोग और स्वतंत्रता सेनानी तो हमेशा से सम्मानित रहते हैं सर, लेकिन आज क्या दो शब्द कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव? आज हम इतने खुले वातावरण में बैठे हैं, इन परिवारों के जो महापुरुषों ने बलिदान दिया है, त्याग किया है, इतने कष्ट झेले हैं, उनके कारण ही आज हम खुली हवा में, देश आज़ाद है, खुली हवा में हैं। और इन लोगों को, परिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव, और उसी कार्यक्रम के तहत हमारे रुड़की नगर की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और भव्य कार्यक्रम। इसमें जो परिवारों को, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन्हें नहीं पता कि देश किस तरह आज़ाद हुआ था, इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को, बच्चों में संदेश जाए। और एक अच्छी बात यह है कि जो आने वाली जो शिक्षा नीति है 2024 में आ रही है, उसमें सब कुछ इन्हीं लोगों के आदर्श को मानते हुए उनका इसमें जिक्र किया गया, पाठ्यक्रम में उन्हीं लोगों को रखा गया। और हुमायूं अकबर, ये इस तरह की जिनसे कोई हमारा कोई जो आक्रमणकारी थे, उन्हें सबको हटा दिया गया और इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं आदरणीय मोदी जी ने, और हम खुद भी सौभाग्यशाली हैं ऐसे इसी कार्यक्रम को मना रहे हैं, 75वां कार्यक्रम, 75 वर्ष का कार्यक्रम मना रहे हैं, यही मुझे कहना था। और उन्हें सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात को बढ़ाऊँ। जान लेते हैं कि आज क्या दो शब्द कहना चाहेंगे स्वतंत्रता सेनानियों? रुड़की हब को पहले मैं तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देश की जो आज़ादी मिली है वो इतनी सहजता से नहीं मिली, जो युवा पीढ़ी है वो आज की तारीख में भूल चुकी है, क्योंकि रूटीन में कभी कोरोना आ गया, कभी बीमारियाँ आ गई, कभी नौकरी करनी है, कभी जो हमारी समस्या हैं, जो हमारे रूटीन के काम हैं, हम उसमें ये सब चीज़ें भूल गए हैं। हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद रखें, उनके परिवारों को याद रखें, उनके द्वारा जो बलिदान दिया गया है उस बलिदान को याद रखें और उसकी चर्चा करते रहें, उसको हम स्मरण करें और उसके हिसाब से हम जो आगे देश के विकास के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हम उसी को सोच के करें, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा जो हमारा संकल्प है पूरे देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का और अखंड भारत की जो हमने कल्पना करी है, हम उसमें आगे बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं और उसके प्रति हम तभी आगे प्रयासरत रह पाएंगे जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हमारी जड़ों को पता होगा कि हमारे इतिहास में क्या हुआ है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और यही हमारी सोच रखते हुए आज सम्मान कार्यक्रम कराया गया जिसमें अनेकों परिवार के जन आए और उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, उनकी विचारधारा भी बड़ी अच्छी रही, उन्हें ऐसा लगा कि बहुत टाइम बाद किसी ने उन्हें याद करा है, कोई एक पार्टी है जो उनका संज्ञान लेती है। प्रवीण संधु जी से जान लेते हैं कि क्या दो शब्द आज कहेंगे आप संग्राम सेनानियों के लिए? रुड़की हब के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और केंद्र की मोदी सरकार ने
आज़ादी के 75 वर्ष अभी 2023 में होने वाले हैं, उससे ठीक 75 सप्ताह पूर्व ही आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और यह जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है, ये पूरे देश में हमारी सरकार मना रही है, हमारी पार्टी मना रही है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से पूरे देश के जितने भी शहीद हैं, हम केवल इतिहास में कुछ एक जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन्हीं के नाम हम जानते हैं, उन्हीं के नाम हमारी पीढ़ियां जानती हैं। हमारे जो क्षेत्रीय स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके विषय में ना किसी ने पढ़ा है, ना किसी ने सुना है। उनके परिवारों के आसपास जो 2-4-6 घर होते होंगे, केवल उन्हीं को पता होगा कि हमारा पड़ोसी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, लेकिन शहर के युवाओं को कौन बताएगा। तो ऐसा करने का कार्य मोदी जी ने प्रारंभ किया है और बहुत सुंदर कार्य ये हमारी सरकार कर रही है कि हम गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे और मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित कर रहे हैं, उनको का पता लग रहा है, उनको के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने इनकी भूमिका स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या रही है। और उन परिवारों को अच्छा लगता है, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हमारे बीच में हमारा इतिहास, हमारे क्षेत्र का इतिहास क्या है। तो वह बताने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं पुनः पूर्ण सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए आपको अभी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रुड़की हब का धन्यवाद। शक्ति से जान लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए क्या दो शब्द कहेंगे आज, क्योंकि पूरे देश को गर्व महसूस होता है आज इतनी खुली हवा में सांस लेते हुए। और कहीं ना कहीं हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसे जानना चाहिए कि हमारे जो सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने कितने संघर्ष किया है हमें यहाँ तक लाने के लिए। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर एक व्यक्ति तक उस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके परिवार के बारे में जो हमें जागृत किया है, वो कदम बहुत सराहनीय है। आज हम 75 हफ्तों से ये कार्यक्रम चल रहा है, 15 अगस्त को पूरा 75 हफ्ता पूरा हो जाएगा, तब ये कार्यक्रम समापन की ओर जाएगा। आज हर जिले में, हर मंडल में, हर शहर में, हर संस्था से सिर्फ यही कहा गया है, जो मेरे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर किया है, उसके परिवार के लोग कैसा गर्व महसूस करते होंगे, उनको ये एहसास कराने के लिए आज़ादी का महोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम मनाया है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये कार्यक्रम है, इसमें कोई जाति, कोई भेद, कोई किसी विशेष जाति के लिए ये कार्यक्रम नहीं है। पूरे मेरे भारतवर्ष के जितने भी शहीद हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की है, कैसे उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, ये ज्ञान देने के लिए, एक एक व्यक्ति को ये बताने के लिए कि ये आज़ादी हमें खड़क और ताल से नहीं मिली है, उन लोगों ने अपना जीवन अर्पण किया है। उस परिवार के मैं नतमस्तक हूँ, उस माँ को मैं प्रणाम करती हूँ जिसने इतने, जो अपने प्राण निछावर देश पर करने के वाले लाल जने हैं, उनको मैं धन्य और अपने प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।